गोरखपुर में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारी का शपथ ग्रहण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, सुधा मोदी व अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि आज अग्रवाल महिला मंडल का 11वां शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि अग्रवाल महिला मंडल जो महिला सशक्तिकरण के नए नए कार्यों के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर शशि अग्रवाल, मंजुला अग्रवाल, सुधा मोदी, शशि, मंजू अग्रवाल, खुशबू मोदी, मिताली जालान सहित अग्रवाल महिला मंडल की अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, अग्रवाल महिला मंडल समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। इसके जो संस्थापक प्रेसिडेंट है सुधा मोदी जी हैं और उनको मैंने देखा काफी एक्टिव हैं और पूरी संस्था को एक साथ जोड़ के आगे बढ़ रही है और आज नए पदाधिकारियों ने ज्वाइन करा है। उम्मीद करते हैं वो भी अच्छा कार्य करेंगे और मेरा यही जो रश्मि बंकर जी हैं उन्होंने प्रेसिडेंट का चार्ज दिया है और हमारा हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के साथ ऐसी सामाजिक संस्थाएं जुड़े और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ और हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी ये कार्य करें आगे। इसी उम्मीद के साथ हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जो हमारे नव नियुक्त पदाधिकारी हैं और ये उनको उम्मीद करते हैं कि बहुत जैसा काम पहले वाले कर रहे थे। 11 साल से पुरानी संस्था है ये तो अब तो वेल एस्टेब्लिश हो गई है, अच्छा कार्य कर रही है, वैसे ही आगे लोग कार्य करते रहेंगे, उन कार्य को आगे बढ़ाएंगे समाज सेवा में।